नमस्कार, मैं हूं मेघना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। ठेकेदारों से 5 गुना रॉयल्टी वसूले जाने संबंधी आदेश को लेकर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में ठेकेदारों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए राजधानी देहरादून में चल रहे विकास कार्यों को जबरन रुकवा दिया। चलिए अब जानते हैं खबर विस्तार में। पांच गुना रॉयल्टी बढ़ाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। देहरादून ठेकेदार कल्याण समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह पुंडीर का कहना था कि शासन द्वारा रोज नए नए नियम लाकर वसूली का धंधा बनाया जा रहा है, जिसके चलते ठेकेदारों में आक्रोश है। और आज सभी ठेकेदारों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि यदि 5 गुना रॉयल्टी बढ़ाए जाने के तुगल की फरमान को सरकार वापस नहीं लेती तो प्रदेश भर के ठेकेदार एकजुट होकर आज से सभी छोटे बड़े विकास कार्यों को ठप कर देंगे। ठेकेदार कल्याण समिति के सचिव राजेंद्र सिंह कुंवर कहना था कि ठेकेदार मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायक तक अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। जो है पूरे सुबह से जो है पूरे शहर के अंदर कई जगह 3-4 जगह हमने काम रुकवाया जो काम चल रहे थे। वैसे तो हमारे ठेकेदारों ने अपनी बहुत अच्छी बात है कि ठेकेदारों ने अपने विवेक से जो सारे काम बंद कर दिए हैं कि जब तक 5 गुना रॉयल्टी वापस नहीं होती तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। अगर कोई ठेकेदार छोटा मोटा कोई काम कर रहा है तो हमने सुबह से 4-5 जगह जा कर के उनका काम रुकवाया है और ये आगे तब तक काम नहीं होने देंगे पूरे शहर के अंदर, पूरी राजधानी के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, जब तक कि हमारी 5 गुना जो रॉयल्टी जो हमारे ऊपर जो है ये काला कानून जो थोपा गया जब तक वापस नहीं होता तब तक हम पूरे काम को बंद। हर मंत्री, हर विधायक और इवन मतलब DM के माध्यम से CM साहब तक, यानी हर जो चैनल होता है ना प्रॉपर चैनल, वहाँ से अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की है। जब सरकार ने अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया तो हम आंदोलनरत हैं और हम इसी कड़ी में अपने काम बंद करवा रहे हैं और ये काम तब तक बंद करवाते रहेंगे जब तक हमारी मांग मांगी नहीं जाती। देखिए, जब तक सरकार की जनविरोधी और ठेकेदार विरोधी नीतियाँ जब तक नहीं बंद होंगी जो हम पे थोपी गई हैं तब तक हम सब ठेकेदार भाइयों का साथ देंगे और ये कार्य बंद कर रहे हैं हम आज से उनके सपोर्ट में।